it up into the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turned back again. It's kind of funny that the more we pass time. Assalamu alaikum everyone, welcome back to our new vlog. और आज की हमारी वीडियो किस चीज से रिलेटेड है ये हमारे भाई बताएंगे आप लोगों को। आज एक नया चैलेंज है हमारे लिए। अभी तक तो हम लोगों को जहाँ जगह पे जा के विजिट कर रहे थे, अलग अलग रेस्टोरेंट सिंगल दिखा रहे थे। आज एक चैलेंज ये है कि हम 500 रुपए में 3 लोग एक दिन में सर्वाइव करेंगे और अपना पेट भरेंगे और आपको ये दिखाएंगे कि आप भी कैसे 500 रुपए कानपुर के अंदर 3 लोगों में खर्च कर सकते हो। तो हम लोग पहले स्पॉट कहाँ पे आ चुके हैं काशिप भाई? हम लोग इस टाइम पहला स्पॉट जो है हम लोग का ये अफीम फोटी लगता है। यहाँ पे बहुत मशहूर है और बहुत पुराने हैं ये। खस्ता जलेबी इतना बेचते हैं कि देखिए गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं यहाँ पर, और ये कई सालों से बेच रहे हैं, मतलब बचपने से बेच रहे हैं। तो वो हम लोग खाने आए हैं और हम लोग ये दिखाएंगे आपको कि हम लोग कितनी चीज़ कवर कर सकते हैं इसमें, कितनी चीज़। ठीक है, चलिए तो फिर अपने बढ़ते हैं पहले स्पॉट की तरफ। राजू तो हमारे साथ इस शॉप के ओनर राजू जैन जी मौजूद हैं। नहीं, शॉप का ओनर तो हमारे पिताजी हैं, वही चल रहा है, वही चलाते दुकान। आप उनके साथ जाते हैं यहाँ पे और ये शॉप इन्हीं की है, यही लुकआउट करते हैं इसको। तो ये अंकल, ये कितनी पुरानी शॉप है आपकी? 35-40 साल हो चुके हैं। और रियल का अंदाज़ा आप देख लें यहाँ कितनी पॉपुलैरिटी है इस शॉप की। हम लोग भी बहुत वक्त से यहाँ आपके अपने बचपन से आ रहे हैं यहाँ पे। यहाँ की जलेबी बहुत ही मशहूर है आपकी, और होगी यहाँ पूरी सब्जी यहाँ वाकई मतलब कि लोग यहाँ पे बता भी रहे हैं। पुलिस वाले अंकल भी खड़े हुए जो बता रहे हैं यहाँ की पूरी सब्जी बहुत अच्छी है। और भीड़ का अंदाज़ा देख के आपको पता चल रहा है यहाँ की क्या पॉपुलैरिटी है इनकी यहाँ पे। हाँ तो सही है आपकी पहचान क्या है भैया? स्वाद ही परंपरा है यहाँ की, स्वाद खिलाना लोग आते थे, स्वाद ही शौक है। और ये बताइए जो एरिया लगता है ये क्या कहलाता है? अभी पूरी चौराहा है अभी वो पूरी दो सफिशियंट है पेट भरने के लिए। और आप इनकी और मात्र इनकी जो कचौड़ी का रेट बोर्ड है आप देख सकते हैं, इनकी कचौड़ी 40 रुपये प्लेट है। प्लेट में आपको मतलब 2 पीस मिल जाएंगे, 4 पीस कचौड़ी के। तो बस स्टार्टिंग है ये अभी और रात तक दिखाएंगे 500 रुपये कैसे खर्च किए जाते हैं। एक आप समझ लीजिए वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा खुशहाल सिटी पर खड़े हुए हैं आप। कचौड़ी खाएँगे और कुछ मीठा भी हो जाएगा, हो सकता है जलेबी ले लें हम लोग। आइटम तो नहीं थे लेकिन सुबह सुबह के टाइम कुछ लोगों की आदत होती है अभी खाने की, कुछ की नहीं, लेकिन इनका ट्राई करते हैं हम लोग ने जो कचौड़ी, इन्होंने खुद बोला कि कचौड़ी सबसे ज़्यादा बिक रही है इनकी। देखिए सब्जी इनकी पनीर वगैरह सब पड़ा हुआ है, माकुल इंतजाम और आस भाई ज़बरदस्त टेस्ट है। इन्होंने एक चीज़ और भी दी हुई है सब्जी है चीता फल की, वाकई में टेस्ट बहुत ज़बरदस्त है इनका। आज जो उनके टेस्ट हम लोग जलेबी खाएंगे दही के साथ तो उसका एक अलग ही मज़ा आएगा और ये बहुत सॉफ्ट है। तो काशी भाई सोहेल भाई ने बता दिया, अब बारी हमारी है। जम्बो जम्बो एक बाइट बनाते हैं मज़ा नहीं वाला, पनीर लगा के मैं ज़रा जलेबी रख दीजिएगा भाई हाथ में दो पर। भाई जलेबी लगा के खट्टे और मीठे का साथ में टेस्ट आता है ना, चल मज़ा है। एक नवंबर तो सब्जी है इनकी हल्की खट्टी टाइप की। देखिए जैसे पनीर और दही एक साथ इसका मिक्सचर है, इसकी वजह से थोड़ा हल्का सा खट्टापन टेस्ट में आता है। इसका मतलब ये नहीं खराब है, नहीं खराब नहीं, वो अच्छा लगा। और फिर दही जलेबी तो काफ़ी बाय एवरग्रीन है, ये वो हमेशा रहती है। देखिए आप भी आइए अफीम कोटी चौथाई पे
ये आप सब अगर कानपुर के लोकल के हो तो आप तो जानते ही होंगे, लेकिन अगर कहीं बाहर से आया हो तो आप अफीम कोटी चौराहे पे आकर यहाँ पे किसी से पूछ लीजिए जलेबी वाले खस्ते वाले भैया कौन है, उनसे ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे अफीम कोटी चौराहे से आप मुड़ोगे वैसे ही आपको इतनी भीड़ दिख जाएगी एक दुकान पर, आपको समझ में आ जाएगा बस यही है इनका कुछ देर है। मात्र 40 रुपये में इन्होंने 4 हमको कचौड़ी दिए एक आदमी के लिए, हम लोग पूरे 3 लोग मिलकर 8 कचौड़ी नहीं खा पा रहे हैं। आप 2 प्लेट ले रहे हो 3 लोगों में फिक्स हो जाएगी। दही के साथ और बनावटी पत्ती मही बिल्कुल सुने आज मजा आ गई। '29 and I find myself wondering, what did happen to the last 10? I ran away with my life fast forward, never turned back again. It's kind of funny that the more we pass time. अभी हम लोग सुबह नाश्ता करके 100 रुपए मात्र कितना 100 रुपए में हम लोग ने सुबह का ब्रेकफास्ट किया। अब दिन के बज रहे हैं 3 बज रहे हैं और हम लोग कानपुर में ही निकले हैं गंगा बैराज के साइड। ये कानपुर के लोगों के लिए समझ लिए लंदन और गोवा जैसी चीज़ है, यहाँ पर आदमी पानी यानी मार के गोवा समझता है तो पैर लटका के बैठ जाता है, ब्रिज पर गंगा बैराज घूमता है, लंदन ब्रिज समझता है। और दोपहर की भूख लग रही है तो हल्की हल्की लगती है और उसके लिए हम लोग ने अब अपने बचे हुए 400 रुपये को यहाँ पर खर्च करने के लिए सोचा है, जिससे हम लोग दोपहर का खाना खाएँगे। और यहाँ पर हम लोग क्या खाने आए हैं, यहाँ पर हम लोग खाने आए हैं चोखा बाटी, एक देसी खाना, कुछ भी देसी खाना है जो चोखा बाटी, और आपको बनते हुए दिखाएंगे कैसे बनता है, बिल्कुल देसी टेस्ट आएगा। और ये एक मतलब यहाँ की स्पेशल एक लोकल डिश है, और ये चोखा बाटी ये पूरे इंडिया की एक लोकल डिश है, इसको ज़्यादातर लोग बिहार में पसंद करते हैं और अब कानपुर में भी लोग ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। इसके अंदर भरी हुई है धुआं छोड़ता हुआ देसी गोला बम का, ये मैंने अपना बनाया जबरदस्त वाला बाइक। जबरदस्त टेस्ट है, बिल्कुल सोना बना रहा है खाने में। खासतौर से पहले बैंगन को बीच से फाड़ करके उसमें मसाला भरते हैं और फिर उसको टमाटर के साथ करते हैं, उसके बाद आगे ऐसे खाता है। काशिफ एक चीज़ में आपने देखा इनका बनाने का जो तरीका है वो इनके टेस्ट में फ्लेवर लाना है, जब मिट्टी में इसको बना रहे हैं तो उसका फ्लेवर मिट्टी का इस खाने में आ रहा है, वही सोनापन तो हर निवाले में आ रहा है इनके साथ, यही इनकी देसी चीज़ है। तो बाबा हमारा तो ये पहली बार है चोखा बाटी, हमने आज तक नाम ही सुना था, अभी खाया या नहीं है, आज तय मारते हैं। देसी घी डलता है ना ऊपर से, डुबो देते हैं देसी घी, पूरा देसी घी में डुबो के, और ये बैंगन का भरता है, बैंगन का भरता ले के, तो बाबा थोड़ा नींबू डाल लो उसमें, निकल नहीं रहा। एक नंबर चीज़ है, मतलब अगर आपको एक ऑथेंटिक चीज़ अपने एकदम देसी जो होता खाना वो ट्राई करना है तो यहाँ आ जाइए। क्या नाम है इनका, चाचा भतीजा चोखा बाटी। ये देखिए एक साथ इनकी दाल भी है और ये बहुत टेस्टी होती है, इसको आप हमने ट्राई कर सकते हैं। हमने जो इनके खाने का तरीका मतलब यूट्यूब वगैरह पर देखा हुआ है कि ये बाटी को अगर धो गया उसी में ये दाल डाल के और ये मिक्सचर मिला के, और भाई हाथ को पूरा गंदा करके उसको खाने का मज़ा है एकदम। जब खाना खाइए तो ये सब ना सोचिए हाथ गंदा हो रहा है कि क्या, खा के दिखाइए। वाकई दाल बहुत टेस्टी है, और बाकी भाई लोग बताए जैसे कि जितना है खाओ, लेकिन इसको आप अगर इस तरह से पियेंगे तो भी स्वाद आएगा।
ये देखिए इनकी खीर हांडी में, और आप देखिए इसमें एक खीर होती है कि बिल्कुल सब चीज़ें पीस कर बनाई जाती है, इसमें सब मामला खड़ा हुआ है, एक एक चीज़ आप देख सकते हैं। और इसको मैं अब आतिफ भाई तुम्हें बहुत पसंद आने वाली है, देखिए गाड़ी की है। बिल्कुल देसी मिट्टी के हुंडे में एक स्वाद मिट्टी का सीमा बना रहा है, और ऐसी जगह बैठ के हम उसको इस तरह खाएंगे वो तो और जगह मिलती है, लेकिन यहाँ पर बैठ के जो खाएंगे उसका मज़ा ही कुछ अलग है। खीर कैसी है कैसी नहीं सब तो इन लोगों ने बता दिया, हमको जो खाने से मतलब है, खा के देखा जाता है। एक नवंबर की खीर है, एक नवंबर बादाम बादाम थोड़ा हुआ यार महंगा, और गांव वाली फीडिंग दे रही है ये जगह एकदम जैसे लग रहा गांव में बैठा। Come one in a dozen, the other 11 give something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Without you, I never could have moved away. But now I seek what you teach. I do believe I always should have stayed. तो जैसा कि हम लोगों के पास सुबह 500 का नोट था, हम लोगों ने बताया चले थे कि आज का चैलेंज हमारा कि 500 रुपीज़ में हम पूरे दिन का चैलेंज करेंगे, और सुबह हम लोगों ने पूरी सब्जी या कचौड़ी वगैरह जलेबी वगैरह सिर्फ उसका जो बेहतरीन नाश्ते के साथ उठे, और दोपहर का खाना तक हम लोग दोपहर खाना तक निपटाया हम लोगों ने, तो उसमें वो हम लोगों के टोटल खर्च हुए 270 रुपये। हाँ टोटल 270 खर्च हुए हम लोग के, और बाकी बचे पैसे रात के लिए यहाँ पर आ गए खाना खाने लगे, और इसके बाद कितना बिल यहाँ का आया है वो भी आपको दिखाएंगे इसी वीडियो में आगे चल के। फाइनली इनका रेट बोर्ड बहुत हमने देख लिया है कि तीन लोग आराम से जो हमारे पास 230 रुपीज़ बचे हुए हैं 230 रुपये वो आराम से, बल्कि उसमें बच भी जाएंगे, लेकिन हम लोग एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जो एक्स्ट्रा हम आपको बता सकते हैं कि आप उससे और भी कुछ एक्स्ट्रा खा सकते हो। इनके पास बिरयानी भी है, चिकन भी है, और भी काफ़ी चीज़ें हैं, सब कुछ सूप मछली सब है इनके पास। चलिए हम आगे आपको दिखाते हैं कि हम खाते क्या हैं और बना रही है। और हाँ लाइक शेयर और सब्सक्राइब, और वीडियो को पूरा देखना मत भूलना मेरे भाई, पूरा देखना। पूरा दिन खाने के बाद नाश्ता करने के बाद हम रात के डिनर के लिए यहाँ पर तलाक महल पर आ गए हैं, नसीम कबाब पराठे वाले, और ये हमारे छोटे भाई भी हैं, यहाँ के ओनर भी हैं। ये आप कब से यहाँ सेवा हो रही है भाई? तकरीबन 40 साल हो गए। 40 साल हो गए दुकान, अभी तक हमने सुना था सिर्फ कबाब पराठे ही, और अब क्या क्या रखने लगे डिश में? अब वो आइटम बहुत से भाई, कबाब है, कबाब पराठा है, बिरयानी है, चिकन है, ग्रेवी के आइटम है, बर्रा है, टिक्का है, बटेर भी है, सूप भी है, चिकन सूप भी आ गया है यहाँ पर। और आप यहाँ पर बहुत सस्ते हैं, मतलब कोई बहुत ज़्यादा रेट नहीं है, और हम लोग ने दिन भर 500 रुपये खर्च किए हैं रात का खाना यहाँ खाया, और आप समझ लीजिए इससे ज़्यादा सस्ता हो नहीं सकता। बहुत मशहूर दुकान है इनकी, जब तलाक महल में इतना खाने पीने के रेस्टोरेंट नहीं होते थे, ये उस ज़माने से हम अपने बचपने से इनको देखते हुए आ रहे हैं, तो हम लोग ने यही चूज़ करा कि इनके यहाँ चलते हैं, इनके यहाँ खाया जाता है कबाब पराठा, और हम लोग मालूम है कि उस बजट के अंदर हम लोग आराम से पेट भर के इनके यहाँ खा लेंगे। तो जैसे कि देखो भैया अपना बाबा ऑर्डर आ चुका है, और ये कबाब के ऊपर पौने लगा है नींबू, और ये है अपना पराठा, इतना बड़ा है कि दो में काम हो जाएगा एक आदमी का, और किंग एक हाथ से टूटने वाला पराठा है, मुलायम गर्मा गर्म कबाब लगा के काशिफ भाई, एक नवंबर का मुंह की पपून छुड़ा दे ऐसी चीज़ है। और ये बहुत ही मसालेदार लाजवाब बेहतरीन टेस्ट के साथ। ये शॉप अभी कबाब पराठे के लिए फेमस हुआ करती थी, लेकिन इनके पास चिकन सूप का भी सर्दी के तमाम पर इन्होंने एक इंतज़ाम कर रखा है एक्स्ट्रा। धुआं छोड़ता हुआ ये सूप तहलका मचा देगा पेट में, बहुत लाजवाब, बिल्कुल गर्मा गर्म सूप है भाई। और इसका टेस्ट तो अलग ही लाजवाब है, क्या कहना टेस्ट का, बहुत ही स्पाइसी है। इसको पियोगे तो पीते ही रह जाओगे। इनका ये जो स्पेशल सूप है
इन्होंने अभी लॉन्च किया है कुछ दिन पहले ही। वाकई ये बेहद काबिल तारीफ है। पैसे कितने हुए भी हम लोग के? क्या क्या हुआ आपका? हम लोग ने कबाब पराठे खाए हैं, दो प्लेट पराठे कबाब थे और एक पराठा। पराठे का रेट कितना है? 15 रुपये। 15 रुपये मात्र एक बहुत हैवी पराठा थाल भर के, और 100 ग्राम कबाब की क्वांटिटी करीब एक आदमी के भर की होगी आराम से। कितने का 100 ग्राम कबाब? 45 रुपये। अभी हम आपको रेट बोर्ड भी शो करेंगे, मतलब 45 रुपये और दो पराठे में आपका पेट भर सकता है। मात्र 50-60 रुपये में एक आदमी खा लेता है। तो हम 3 लोगों ने खाया, 180 जो आखिरी के 200 बचे थे वो हमने यहाँ पर स्पेंड कर दिए। ये And our team was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs.